गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है आप देख रहे हो, ये बजाज कंपनी का इंडक्शन है और इसमें जो प्रॉब्लम है, कस्टमर भाई का कहना है कि ये 15 मिनट तक चलते हैं, उसके बाद अपने आप बंद हो जाते हैं, मीन ऑटोमेटिक ये बंद हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में देखेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट खराब हो गया है इस इंडक्शन में जिनके कारण ये 15 मिनट तक तो ठीक चलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है। मतलब ये हीट जब हो जाते हैं तब ये जो इंडक्शन है अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हम इस तरह का जो प्रॉब्लम आया है, आज मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरह आपको समझा के मैं इसे रिपेयर करने वाला हूँ। किस तरह से इसे रिपेयर करना है पूरा, मतलब डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि कौन सा सामान ख़राब है। और एक चीज़ ख़राब है इसमें, मैंने देखा कि इसका जो वन अप बटन है ये ख़राब हो चुका है। जैसे कि मैं आपको पावर दे के अभी दिखाता हूँ, देखिए। तो इसमें मैंने पावर दे दिया और ये ऑन अप बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो नहीं काम कर रहा है। तो इसका तो छोड़िए, इसका मैं जो स्विच है, स्विच ख़राब है जिनके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं स्विच को चेंज कर दूंगा, इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जो 15 मिनट चलने के बाद बंद हो जाते हैं उसको हम रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नए वीडियो YouTube में पोस्ट करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम चारों नट खोल लिया हूँ, अब इसको मैं ओपन करूँगा। चलिए हम कैमरे को सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कैमरा को सेट कर दिया और अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलिए इसके अंदर क्या परिस्थिति है। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर में धूल मिट्टी जमा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा इंडक्शन में धूल और मिट्टी में भरा हुआ है। देख सकते हो ये कीबोर्ड में भी कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है। इस तरह का धूल मिट्टी जमा रहेगा तो आपका इंडक्शन 100% काम कर ही नहीं सकता अच्छा से। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम था कि 15 मिनट चलने के बाद ये जो इंडक्शन है बंद हो जाते हैं, तो इसका कई रीज़न होता है। तो सबसे बड़ी रीज़न, सबसे पहली नंबर रीज़न, हमें इस फ़ैन को देखना है कि फ़ैन फ्री है कि नहीं। तो ऐसे हाथ से घुमाता हूँ तो फ़ैन तो घूम रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जितना भी धूल मिट्टी जमा हुआ है इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ, इसे क्लीन कर लेता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह क्लीन कर लिया, देख सकते हो। फैन को भी क्लीन कर लिया और जहाँ पर फैन लगा रहेगा पूरा बॉडी को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, आप देख सकते हो। पूरा मैंने ओपन करके इसको क्लीन किया, देख सकते हो। और इसमें जो तीन स्विच ख़राब था, मैंने तीनों स्विच को चेंज कर दिया। जो ऑन ऑफ वाला स्विच था और प्लस माइनस का था, तीनों स्विच को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये तीनों स्विच बहुत ज़रूरी है। बाकी स्विच रहे या ना रहे कोई बात नहीं। और तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा था, 15 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता था, तो ये फ़ैन ख़राब होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये फ़ैन सही है, इसमें बहुत धूल मिट्टी जमा हुआ था और जिसके कारण ये स्लो हो गया था, ये स्पीड नहीं ले रहा था, इसलिए जो है ये बंद हो रहा था। और दूसरा कारण मैं बता दूं कि अगर चलते चलते रुक जाता है तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉइल है और इसका जो कनेक्शन है, आप देख सकते हो दो कनेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हो दो PF लगा हुआ है और यहाँ पर डायड और IGBT लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन होते हैं, इसका कनेक्शन अगर लूज हो जाए तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने सारे कनेक्शन, जितना भी कनेक्शन था, मैंने सारा कनेक्शन को इसका जो सोल्डरिंग कर दिया, अच्छा से मैंने सोल्डरिंग कर दिया, आप देख सकते हो कहीं भी लूज नहीं है। अब मैं इसे बाहर ही चेक करूंगा कि इसमें पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। इसका ढक्कन जो है मैं नहीं लगाऊंगा, बाहर ही आपको चेक करके दिखाऊंगा कि जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको फटाफट सेट करके आपको चेक करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको फिट कर दिया, बाहर ही मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं है। तो चलिए हम इसमें पावर दे देते हैं और मैं पावर दे चुका हूँ फ्रेंड्स, और पंखा यहाँ पर घूम रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और अब देख सकते हो किस तरह से घूम रहा है पंखा। अब मैं पानी गर्म करके आपको बाहर ही दिखाता हूँ, चलिए। तो आप पंखा की आवाज़ से ही आप सुन सकते हो फ्रेंड्स कि ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए हम इसे हीट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये वाला बटन काम नहीं कर रहा है, प्लस वाला, तो मैं इसको देख सकते हो, ये मैंने 1300 वाट में इसको दे दिया और ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पानी पूरा हीट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये सही हो गया है, अब ये ख़राब नहीं होगा।
ये पंखा भी देखिए, अब पंखा घूम रहा है और इंडक्शन भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।